हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। हियर वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। नाउ फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है कि द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा। यस इट इज ट्रू, क्योंकि मोड क्या होता है, वो वैल्यू होती है जो मैक्सिमम टाइम आए, तो वो इंफॉर्मेशन में से ही होगी कोई वैल्यू, सो इट इज ट्रू। सेकेंड पार्ट इज द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा, कि वो हमेशा उसी में से कोई वैल्यू होगी। नो दिस इज फॉल्स। नाउ व्हाई इट इज फॉल्स, लेट अस टेक। अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने क्या देखा, हमने मीन फाइंड किया, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को जब एड किया तो हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन है ये नंबर थे कि दीज आर द रन स्कोर बाय डिफरेंट बैट्समैन। तो जब हमने इसका मीन निकाला, दिस इज 39 एंड 39 इज नॉट द वैल्यू ऑफ दिस डेटा, इस डेटा में तो ये वैल्यू नहीं है। सो मीन इसी के बीच का नंबर होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इनमें से ही वो नंबर हो। सो दैट इज इट इज फॉल्स। पार्ट 3 इज द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा, इट इज ट्रू, क्योंकि मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू, द वैल्यू विच अकर्स इन द मिडिल, बीच वाली वैल्यू होगी। एंड पार्ट 4 इज द डेटा दिस हैज मीन 9। अब कहते हैं कि इस डेटा का मीन 9 है, सो लेट अस फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा। तो इसका हम मीन निकालते हैं, हमारे पास वैल्यूज दी हैं 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 12 प्लस 13 प्लस 9। नाउ दीज आर 8 वैल्यू, सो दिस इज डिवाइडेड बाय 8, सो विच इज इक्वल्स टू वोट, जब हमने इसका टोटल किया दैट इज 64 अपॉन 8, सो 8 सो व्हाट वी गेट, मीन मीन तो 8 आया, बट ये कह रहे हैं कि द मीन इज 9, सो इट इज फॉल्स। पार्ट 4 इज फॉल्स। थैंक यू।